हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिनों के बाद मैं शूट कर रही हूँ। आज संडे है और हम लोग बाहर जा रहे हैं, आई थिंक पुणे के आसपास। आगे का मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एनीवे, अगर आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगा है तो कमेंट करो, मैं इसका ट्यूटोरियल ज़रूर अपलोड करूँगी। बहुत ही लाइट वेट मेकअप है। सो गाइस, हमने डिसाइड किया है कि हम लोग लावासा जाएंगे, जो पुणे से 2 hours के डिस्टेंस में है। अगर आप लोग मुंबई से आ रहे हैं तो फिर पनवेल रूट से आके देन मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से आ सकते हो। रेलवे यहाँ नहीं है, ओनली यू कैन टेक ट्रांसपोर्ट बाय रोड रूट लाइक प्राइवेट व्हीकल्स, बस भी आएगा। सो ये जो डैम देख रहे हैं, ये तेमगर डैम करके बोलते हैं, आई डोंट नो टू प्रोनाउंस इट। समर टाइम था फिर भी काफ़ी पानी था इस डैम में। इट्स अ मैसिव डैम। हम लोग रीच हो गए हैं ऑलमोस्ट। एंट्री फीस था 4-wheeler के लिए 500 लिया था एंड फॉर 2-wheeler आई गेस 100 rupees। ये सिटी प्राइवेटली बिल्ट है, वो भी हिल्स के ऊपर, इसलिए इसको लावासा हिल सिटी करके बोलते हैं। ये लावासा स्ट्रीट्स है। हे गाइस, सो आज हम लोग लावासा आए हैं। बहुत ही ब्राइट सन है यहाँ, आप लोग मेरे फेस पे ही देख सकते हैं कितना शाइन हो रहा है। गाइस चेक दिस व्यू आउट। यहाँ बहुत सारा शूटिंग होता है, लाइक फोटोशूट ऑल्सो एंड सॉन्ग का भी हुआ है। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, वाटर स्पोर्ट्स है आई गेस। फोटोज लेने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, आप लोग विजिट कर सकते हो। आने जाने के लिए 4 to 5 hours हुआ रहेगा। सो अभी इवनिंग हो चुका है और हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। गाइस, हम लोग हमारे एरिया में आ गए हैं एंड डिनर करने के लिए जा रहे हैं होटल शिप्रा में। रेस्टोरेंट हमेशा मतलब फुल रहता है, क्राउडेड रहता है और खाना भी इनका बहुत अच्छा है। हम ऑर्डर कर रहे हैं चिकन मंचूरियन, पनीर मलाई टिक्का, तंदूर चिकन एंड नान और फिर पनीर टिक्का मसाला और फ्रूट सलाद आई गेस। ये सब इनका बहुत टेस्टी रहता है। पनीर मलाई टिक्का मस्ट ट्राई है, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं उनके पनीर एंड आई लव दैट डिश अ लॉट।
gravy is also best in this restaurant. Do give it a try. Hey guys, thanks for watching my video. I hope so you like this video. If you like it, do share, like, comment and subscribe to my channel. Until then, take care. Bye bye guys.